के उम्मीदवार अरविंद शर्मा बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व, 1996 में निर्दल उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2019 में उन्होंने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ाया, चुनाव हराया और उसके बाद करनाल से दो बार सांसद रहे और अब भाजपा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके कार्यालय पर आया हूँ। दरअसल क्या है कि गोहाना एक रोड पर ही पूरा का पूरा मार्केट है, बाजार, और जितने उम्मीदवार हैं सबके जो कार्यालय हैं वो इस पर बने हुए हैं और हर तरफ हुक्के पर लोगों की बैठक हो रही है और चर्चा चल रही है। तो मैं जरा यहाँ का माहौल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कार्यालयों में आज देखिए, ये माता जी बैठिए, तो बैठिए आप इस पर बैठिए। आप कौन है? मैं डॉक्टर साहब की माता जी और सबकी माता जी, डॉक्टर साहब की माँ हूँ बेटे, डॉक्टर साहब की माता जी, अरविंद शर्मा जी की नहीं, नहीं यकीन आया। ये अरविंद शर्मा की माता जी हैं, मेरी भी माता जी हैं, पहलवान धर्मवीर गौड़ अध्यक्ष राष्ट्रीय, मैं समझ गया उम्मीदवार। तो आपके जो बेटे हैं वो तो कई बार करिश्मा कर चुके हैं हरियाणा के चुनाव में, एकदम इंडिपेंडेंट एमपी बन जाते हैं, फिर दीपेंद्र हुड्डा को हरा देते हैं, लोकसभा में चले जाते हैं, तो ये विधानसभा उनको क्यों लड़ने की जरूरत पड़ी? ये मांग थी पब्लिक की मांग थी और हमारे ऊपर पार्टी वाला की मांग थी, तो उन्होंने कहा अभी लड़ो, चलो मैं मना कर, बोले अभी लड़ो तो लड़ो, फिर कोई बात नहीं। इसमें क्या, आज भी ये बताओ, लोकसभा के लड़के विधानसभा का नहीं लड़ना चाहिए? अरे क्यों नहीं लड़ जाए, लोग चीफ मिनिस्टर रहते हैं, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। देखो भाई, पब्लिक की जो मांग थी वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है, आप बताओ। और तो आपकी उम्र क्या है माता जी? मैं 80 की। 80 साल में आप पूरा चुनाव में यहाँ कार्यालय में बैठती हैं पूरे टाइम? पूरे कार्यालय में बैठती हूँ, अब तो कार्यालय नहीं, तो मैं डोर टू डोर भी गई हूँ लोकसभा के चुनाव में, मैं सारे सबसे मिली हूँ, सबसे साथ घूमी हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देती हूँ माता जी। इतनी उम्र में भी आपको इंटरेस्ट चुनाव में रहता है? बिल्कुल इंटरेस्ट जी, एक बार बताओ जी, लड़के को इंटरेस्ट है तो माँ को तो पहले नहीं, अरे इतना प्यार मिलता है इन बच्चों का, अब सारे अपने लड़के हैं, अपना ही अरविंद है, सारे अपनी अरविंद है। मैं इनको कहती हूँ भाई तुम, ये कहते भी माता जी आप क्या सोच रहे, मैं हमें तो आपका सहयोग है, आपका सहयोग मिल रहा है, हमने सहयोग मिल रहा है, आप ही सब कुछ है, ये जिताने वाले भी आप हैं, ऊपर ले जाने वाले भी आप हैं, लोकसभा के इलेक्शन लड़ने वाले भी यही हैं और जितवाने वाले भी यही। अच्छा, यहाँ जो सीट है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं गोहाना में, और ये सीट पर 4-5 बार से कांग्रेस के जगबीर मलिक चुनाव जीते, उनको एक मजबूत कैंडिडेट माना जाता है, उसको आप कैसे मानती है? अभी उनकी भी फैमिली मिली थी मुझे, उनकी भाभी पत्नी सब सड़क पे घूम रही थी गोहाना में। ना फिर इसका, तो जगबीर मलिक मजबूत कैंडिडेट मानते हो आप? नहीं पता मेरे को, तो मैं कभी जगबीर मलिक से मिली नहीं, पर ये कह रहे हैं अभी कांग्रेस का वो 3-4 बार बन चुके हैं, हाँ बता रहे हैं मेरे को, पर मैं कभी नहीं मिली उनसे। आपके देखने में चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, भाइयों का सहयोग है, भाई को जो ये सारे जो कर रहे हैं इन्हीं का चुनाव है, अच्छा चल रहा है, ये अपने आप संभाल रहे हैं और आप यही कर कामयाबी करवाओगे। अच्छा, मैं अपनी तरफ से माता जी आपको एक बात ये कहूँ कि आप 80 साल की उम्र में इतनी सक्रिय और इतनी अच्छी लग रही है कि इसके आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, भगवान करे आप 100 साल तक जिए। एक बात बताऊँ बेटे, कोई खान पान का वो नहीं मेरे को, भी खास खाना पीना है कुछ नहीं, सिंपल रहना, हमेशा सिंपल रहे हैं और सिंपल, कोई कभी दवाई नहीं खाई है, कोई दवा नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं खाते कोई दवाई, भगवान करे 100 साल तक आपको कोई बीमारी ना हो। ऐसा मत कहो बेटे, इतनी लंबा उम्र नहीं चाहिए। जलेबी खाती हो? नहीं नहीं खाती जलेबी का चक्कर ना हो, नहीं खाती बेटे, नहीं खाती कुछ नहीं खाती। तो आप रहती कहाँ हो ज्यादा? मैं ज्यादा दिल्ली अरविंद के पास, जब अरविंद लोकसभा का इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में है तो उसको दिल्ली कोठी मिली हुई है, तो वहीं रहती हूँ। अब आजकल नए जमाने में तो बच्चे देखो माँ बाप के साथ रहते ही नहीं। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है ना, हमारा बच्चा ऐसा है, कल मैं झज्जर गई थी अरविंद के पिताजी का श्राद्ध करने, तो जितनी बार श्राद्ध अरविंद गया वहाँ, कल भी गया था, ये अलग है लड़का, ये लड़का अलग है, माँ बाप की सेवा करने वाला है और माँ बाप की पब्लिक की भी सेवा करने वाला है, पब्लिक तो पूछ लो आप, मैं माँ नहीं कहती है कि मेरे को पता है, मैं कितनी देखती हूँ, ले भी फोन करियो, अरे भाई नू तो बता दे किससे फ़ोन कराओगे, मैं कहूँ ये बात,
यही नहीं पता, करो करो कितनी बार फोन करो। तो अरविंद जी की पत्नी भी है? हाँ पत्नी भी है, वो हल्के में घूम रही है। ओ महिला। अरविंद जी की पत्नी डॉक्टर है, एमडी एमबीबीएस एमडी है। अच्छा हाँ। तो गोहाना के चुनाव में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा, उधर से भी इधर से भी। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। माता जी आप खूब स्वस्थ रहे, 100 साल जिए और अरविंद जी सीधे चुनाव लड़ते रहे और मैं माहौल के आगे के लिए आपसे मिलता रहूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो। तो देखिए बातचीत, मैं तो जब कहीं भी आता हूँ ऐसा कुछ होता नहीं, मैं कार्यालय में घुसा। आपने ये नहीं बताया था मैं अरविंद की माँ हूँ, किसने बताया आपको? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा वैसे नहीं, पत्रकार हैं ये? नहीं नहीं, वैसे आ गई ये इसलिए आए भी, कोई लेडीज बैठी है तो उनसे बात। ऐसे ही घुसा, आप पहली दिख गई तो मैं बातचीत शुरू कर दिया। वैसे कुछ कुछ चेहरा मिल रहा था तो मुझे डाउट हो रहा था, और गोरा रंग भी आप जैसे मतलब माँ पे ही वो गए तो मुझे लग रहा था कुछ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कुछ। ठीक है। हाँ जी बहुत हंस रहे हो मेरी बात पर, बताओ क्या बात है? बस हाँ हंस रहे हैं, वो माता जी बोल रहे हैं और वो अपने चुनाव के बारे में सारी बातें कह दी इन्होंने। ठीक है, हम इसमें जो है ना बड़े मेहनत करके लगे हुए हैं और मतलब चुनाव में बड़े जोरों से चलाए हैं भी चुनाव को, और बड़े बहुमत से जीत का आएंगे। शर्मा जी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आधे तो जाट हैं और आधे में सब हैं। हाँ हैं मुस्लिम क्या बोला? अरे आधे तो जाट, अच्छा ऊंचा सुनो क्या। हाँ हाँ आओ इधर, आधे तो जाट हैं आधे में सब हैं। हाँ फिर वो तो बट जाएंगे, वो तो अपने में बट जाएंगे जाट। हाँ वो तो अपने में बट जाएंगे, उन वाली कोई बातें नहीं है, लेकिन जो मतलब दूसरे सेना मतलब लोन जाट जो है वो लगभग बीजेपी पर आता है, उसकी उनका अपनी रुचि है क्योंकि अरविंद शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए पहलवान साहब आप क्या कह रहे हैं? जाने इश्क रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। आज हरियाणा में क्या गया? आप सुनाए। जाने इश्क रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। अरविंद शर्मा का एमएलए का चुनाव लड़ना केवल एमएलए का चुनाव नहीं, आप तो शेर का भी ऐसी की तैसी, ये शेर जाने इश्क रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। जहाँ देखिए जुड़ा नहीं, देखिए जुड़ा नहीं है हमारा मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी है, किसी कैंडिडेट से नहीं है। ये बाजू में सब भूपेंद्र हुड्डा मेरी बहुत आजमाई हुई है, और आज जहाँ यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट की बात है उसको कांग्रेस ही हरा रहे हैं। जगबीर के जो सक्रिय कार्यकर्ता होते थे गांव गांव, मलिक भाई भी आज अरविंद के साथ खड़े हैं, और भारी बहुमत से हरियाणा में सबसे हॉट अगर वो सीट है तो वो गोहाना सीट है, सबके नजरें यहाँ है, इसलिए तो हम भी आए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उनके आने के बाद तो सुनामी आएगी, सुनामी। आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मैं एडवोकेट हूँ सर। वकील साहब है, मैं तो डॉक्टर साहब समझ गया। सर बताइए वकील साहब क्या आपका नाम क्या? हेमंत शर्मा जी। तो यहाँ शर्मा जी लोग ज़्यादा हैं क्या? नहीं ठीक है, अच्छी तादाद है शर्मा जियों की यहाँ इस हलके में, कौन सी चुनसी में, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ 36 बिरादरी का बड़ा स्नेह प्रेम भाव से जी उनके ऊपर रजू हैं, सभी खुश हैं। अगर डॉक्टर साहब एक अच्छे आदमी हैं, बाई नेचर एक बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि हमने तो 96 में भी जिनकी पूरी सपोर्ट करके पूरे हलके ने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने इनको आशीर्वाद दिया, और अब फिर 36 बिरादरी इनको आशीर्वाद देगी। चलिए ठीक है, इंडिपेंडेंट जीता। हाँ मुझे मालूम है, इंडिपेंडेंट सांसद बने थे। चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।